व्हाइट अंडा कोरमा की रेसिपी बहुत ही डिलिशियस और क्रीमी बनकर रेडी होती है। ये रेसिपी जितनी डिलिशियस बनती है उतना ही इसे बनाना आसान है। सबसे पहले हम लेंगे 8 अंडे। अंडों को हम इस तरह से काट लेंगे। इस तरह काटने से अंडों में अच्छी तरह से मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब ग्रेवी बनाने के लिए पैन में लेंगे 2 बड़े चम्मच भर कर तेल, 2 मीडियम साइज की प्याज है, इसे रफली चॉप करके डाल देते हैं। पहले प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, गुलाबी कलर आ जाए इस पर, तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। 10 से 12 डालेंगे लहसुन की कलियां। अब इसमें हम डालेंगे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 डाल लेते हैं हरी मिर्चें, 1/4 कप डालेंगे काजू। अब सारी चीजों को मिक्स करते हुए फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही ये चीजें फ्राई हो जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, करीब 1/2 कप। मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ढककर पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इस तरह से प्याज और बाकी सारी चीजें बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और ग्रेवी हमारी एकदम क्रीमी बनकर रेडी होगी। ढक्कन हटा लेते हैं, ये सारी चीजों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे अब हम ठंडा हो जाने देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसे ग्राइंड कर लेते हैं, तो ये देखें गाढ़ा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इस पेस्ट को हम रखेंगे साइड में और इसी पैन में डाल लेते हैं 1/4 कप तेल। तेल हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को हल्का सा फ्राई हो जाने देते हैं करीब 1/2 मिनट के लिए। अब जो व्हाइट पेस्ट हमने बनाकर रखा हुआ है इसे डाल देते हैं। व्हाइट मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए भून लेंगे। जैसे ही आप देखें तेल सेपरेट होने लगा है, मसाले का कच्चापन चला गया है, हमें इसमें डाल देना है 1/2 कप दही फेटा हुआ। एकदम लो फ्लेम पर पहले दही को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को चलाते हुए फिर से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। पाउडर मसाले में हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालते हैं गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी का पाउडर, कसूरी मेथी को क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। नमक ग्रेवी के हिसाब का डाल लेंगे और थोड़े से डाल देते हैं बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब सारे मसालों को मिक्स करते हुए फिर से हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। अब जितनी पतली हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं इसमें करीब 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर। फ्रेश क्रीम अब ऐड कर देते हैं जो कि है 1/2 कप। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम और ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 बॉयल आ जाए उसके बाद हमें डाल देना है उबले हुए अंडे। साथ ही इसके डाल देते हैं पतले लंबे पीसेस में कटी हुई 1 हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के जूलियंस डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और इसे अब हम पकने के लिए रख देते हैं बस 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। अंडा अच्छी तरह से व्हाइट ग्रेवी में पक जाए तब हम ढक्कन हटा लेंगे। तो बस देखें ये हमारा मलाईदार व्हाइट अंडा कोरमा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप सर्व कर लीजिए पराठा, रोटी, नान या तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनकर रेडी होती है, बनाना भी इसे काफी आसान है। तो ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।